हाँ कैमरा ठीक नहीं था, टेंशन लग रहा था। तेरा नहीं मेरा मेरा तभी नहीं है कल पगड़ी नहीं बनाया तो यार गाइस गुड मॉर्निंग। आप पी रहे प्रोटीन शेक वादिया दे विच, होप सो यू कैन सी द स्नो। कल द वेदर बहुत ज़रा फॉगी सी, क्लाउडी सी, आज पूरा सनी डे हैगा। एज यू कैन सी तो भी दिख रही हैगी है। आप कल कितने गए नहीं, थक गए थी, रात पर ड्राइव की थी थार, तो बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। सोचे थी शाम में निकलूंगे बट असी उठे ही रात में उतरा कि जा नहीं पाए। बट आज का प्लान हैगा आप अतल टनल जाऊंगे, ट्राई करूंगे, अगर स्नोफॉल नहीं होगी तो जा सकते हैं। और बाद सोलांग वैली, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इवनिंग। वी आर प्लानिंग फॉर मॉल रोड, लेट्स सी, यू कैन सी द रिवर गोइंग। पहुँच चुके हैं तैयार, एज यू कैन सी रोल टैट। बाकी बंदे देखते कितने, मैं रूम में छड़ के चल गए। लुक एट द रूम मैन, द रूम इज सो मेस्ड अप, पूरा कवाड़ा किता है इतने रूम दे इन्होंने। गर्म पानी विच प्रोटीन शेक एंड दिस मेसमराइजिंग व्यू, ये करके तो आए आप। तैयार हो गया है सिटी, हाउ इज इट? All set to go in snow. Where we are going today? Sulang Valley. Atal Tunnel. Atal Tunnel. So let's go, man. So पूरा स्क्वाड अंदर आ चुका है। ऐसे वाला एक वीडियो। हम मुंडे तेरे वर्गे चना। बॉडी गार्ड रखे हुए जट्टी ने। सो गाइस राइट नाउ इट्स 10 इन द मॉर्निंग एंड वी आर स्टक इन ट्रैफिक एंजॉयिंग दिस मेस्मराइजिंग व्यू। शो द मेस्मराइजिंग व्यू मैन, स्नो केप माउंटेन्स, वी आर कमिंग फॉर यू। बट पहला जाम खत्म हो जाए, भूख भी लग गई है। की करिए, की करिए दीपी? दीपी हां कुछ खाण नु दो सानू। कुछ नहीं, बर्फ खावांगे। बर्फ खाओगे? बर्फ से पहले पहुंच तो जाइए, बर्फ ताई ने खाओगे। बर्फ के गोले देखते हैं की होता है। सो गाइस हम तब से ट्रैफिक में फंसे, तब से मतलब सुबह 9 बजे निकले थे और अब दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी तक हम ट्रैफिक में फंसे हैं और अभी तक हम सोलांग वैली भी नहीं पहुंचे हैं। और अटल टनल सोलांग वैली से अप्रॉक्स 12-14 किलोमीटर्स है, सो लग नहीं रहा है आज हम पहुंच पाएंगे। या हम पहुंच गए तो कल हम रेस्क्यू टीम हमें ले जाएगी। तो इसीलिए अगर आप आ रहे हैं तो इधर बुलेट से आइए या सवेरे निकलिए, 7 o'clock आइए। हमारा बहुत बुरा हाल हो चुका है, कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा है, बीच में हमने पेटीज खाई थी, उसी से काम चल रहा है। We haven't eaten our meal of the day. Just काम चलाओ। तब तक दिखा दे रहे हैं यहीं पर, बाकी टूरिस्ट जो आए हैं वो यहीं सोलांग वैली बना लिया है उन्होंने। देखिए हम भी सोच रहे हैं यहीं पर बना ले सोलांग वैली अपने। This is the scene now. थार मैंने यहाँ खड़ी कर दी है और अभी अप्रॉक्स हो रहे हैं लाइक गेस 2 o'clock इन द नून और अभी हमने बुलेट हायर कर ली है क्योंकि 4-wheeler अलाउड नहीं कर रहे हैं ऊपर में, तो टाइम बर्बाद हो गया। लेट्स सी कि आज हम देख पाएंगे कि नहीं सोलांग वैली एंड अटल टनल। बुलेट तो ले लिया एंड दे आर गोइंग इन एनफील्ड, लेट्स गो। We'll be right back.
Oh yeah. Are we talking about losing control? So right now we are 2 kilometers before Solang Valley और हमने अपनी बाइक यहीं लगा दी है। I don't know वो रूट कहाँ जाता है। So हमने अपनी बाइक लगा दी है 2 kilometers above। हमें वो रूट से जाना है Solang Valley की बाइक। But before that we are eating here। क्या है वो? अंडा ब्रेड। That's अंडा ब्रेड। That's मैगी। एक एक ऑर्डर किया है। अंडा ब्रेड खा रहे हैं। मैगी बन रहा है। And you can see snows everywhere, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है ताई करके। पहला अंडा ब्रेड खा दी, लेट्स ईट ऑमलेट ब्रेड। गरम गरम मज़ा आ रहा है। एट लास्ट अपन पहुंच ही गए। ये जितनी भी गाड़ी दिख रही है यहाँ पे, ये सब हिमाचल प्रदेश की गाड़ियाँ हैं, इसीलिए इनको आने दे रहे हैं। ऐसे जो भी हमारी प्राइवेट गाड़ी थी, ऐसे जो हम लोग हमारी गाड़ी का JS नंबर था झारखंड की थी, दैट्स वजह से आने नहीं दिया। और बाकी जो भी गाड़ियाँ लाइक दिल्ली की, हरियाणा की, वो सब नहीं आ पा रही। बस यहाँ की लोकल गाड़ी, वो भी कैब कमर्शियल व्हीकल्स बस अलाउ कर रहे। पता नहीं उनको कुछ सीन होगा या कुछ, यू नो दैट वाला सीन वो होगा, बट हमें तो अलाउ नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमने बीच रास्ते से घुमा ली। बहुत ज़्यादा जानता, अच्छा हमने बाइक का चूज़ किया, नहीं तो अगर अभी तक हम सोचते रहते कि ऊपर आएंगे तो छूट ही जाता है। अटल टनल जाना था बट Solang Valley तक कैंसिल होना पड़ रहा है। सॉरी गाइस, चेक करें, अटल टनल बंद है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल, सो दैट्स द रीज़न। तो Solang Valley चल के देखते कि वहाँ भी कोई स्पोर्ट्स हो रहा है या नहीं, क्या हो रहा है देखते। लेट्स सी, आ गई गरम गरम, लेट्स सी डिट। वो बहुत गर्म है, बहुत मज़ा आ रहा है ठंड के बीच गर्म मैगी से। बोल रहा
था 3500 लीजिए, पूरा ऊपर तक जाइए। कहीं नहीं आने दे रहा था। चलता है ना, फिर गाड़ी को छोड़ के तो रोड में जाम हो जाएगा ना। यहाँ का लोग आइडिया है देखा, बर्फ महीने का ठंडा कम लग रहा है, लगे नहीं रहा मतलब उतना। बर्फ तो सीमे है, बर्फ में ठंडी है ना। अरे आगे जाम तो कभी थोड़ी है, हाँ तो कभी थोड़ी है, हम लोग का लिए भी है काकी, दोनों तरफ से गाड़ी है। ये कहते जो दिक्कत हो नहीं पार्टी उठता है। सीट करके लग जाएगा गाड़ी, कर रहा पैर से रुक रहे गाड़ी, गाड़ी तो रुकी नहीं रहा, उसका गाड़ी नाप लिया। बाप रे, नहीं लेगा छोटा। Guys, right now I am in Solang Valley. You can see the view. देख रहे हैं कितनी ज़्यादा स्नोफॉल हुई है यहाँ पे। ये पहले यहाँ पे टेंट्स थे, स्नोफॉल से पूरे ढक चुके हैं और देख सकते हैं लोगों के अंदर भी दिक्कत हो रही है स्नो के चलते, दैट मच स्लिपरी। ज़्यादा उस साइड मत जा, वाला पूरा ये डीप है और डीप है पूरा दब गया है। Guys, there's a bad news coming. जितने भी सब स्पोर्ट्स है सब में कुछ ज़्यादा ही हैवी लाइन लगी और उन्होंने और बंदों को लेना भी बंद कर दिया है। तो मेरा मन था बहुत पैराग्लाइडिंग करने का, तो वो तो कह रहे जिनकी लाइन लगी है उन्हीं को पैराग्लाइडिंग करने नहीं मिलेगा, तो हमें तो मिलेगा ही नहीं। और बाकी जो स्पोर्ट्स है, रोप वे है, ट्यूब वाली राइड होती है वो है, स्कीइंग है, इसमें बहुत लंबी लाइन लगी है, तो इस बार मिस हो गया हैवी स्नोफॉल खेलते, बट खुश है कि स्नोफॉल तो देख ली। तो बैड लक बट नॉट बैड लक, कर नहीं पाया स्पोर्ट्स कोई भी, और ज़्यादा देर तक यहाँ वेट भी नहीं कर सकते क्योंकि कल मॉर्निंग में और आई गेस आज नाइट में अपन कसोल के लिए निकल जाएंगे। आई एम हैविंग बर्गर, लेट बॉय ईटिंग बर्गर एट -4 degrees Celsius। दिस टाइम इट्स कॉफ़ी बिकॉज वी वॉन्ट इट हार्ड, बहुत ठंड है इतने, थोड़ा बुरा भी लग रहा है अटल टनल नहीं जा पाए। बैड लक बट गुड लक दैट स्नोफॉल देख पाए, स्नोफॉल नहीं स्नो देख पाए। सो अब नीचे चल जाते हैं, वैसे भी लेट हो रहा है और ठंड भी बढ़ रही है। इट्स राइट नाउ 4:30 इन द इवनिंग, सो लेट्स गो आफ्टर ड्रिंकिंग दिस कप ऑफ कॉफ़ी।
Oh yeah. Are we talking about losing control? I'm just like a ride, he's heading for the front. ग्लव पहने तभी आज तुम हो रहा है माइनस में चल गया टंगर के पीछे चाहिए आई एम इन माल रोड And you can see how crowded it is. कुछ good food के इंतजार में हम कि यहाँ पे कुछ मिले तो यहाँ पे कैफेज है. Let's see what we got. बाकी भीड़ तो बहुत ज़्यादा है. But we are still on the bike, so कोई problem नहीं है. देखते हैं, फिर अच्छा खाते हैं. आपको भी दिखाते हैं. Hey guys, we are at cafe 1947. और अभी देख सकते हैं आप जैसे कि पूरा अंधेरा हो चुका है. इट्स क्वाइट डार्क इन द इवनिंग और बगल से ही रिवर बह रही है. अब देख नहीं पाओगे क्योंकि अंधेरा हो चुका है. बट बहुत ही सही व्यू आ रहा है भाई. और मेरे कैमरे की बैटरी बहुत डाउन हो चुकी है, सो पता नहीं कि आपको मैं दिखा पाऊँ कि नहीं क्या फूड आएगा. क्या बॉन फायर भी चल रहा है, देख सकते हैं आप पीछे. सो या यहाँ पे हम थोड़ा एम्बियंस इंजॉय करेंगे और वी विल हैव सम गुड फूड. सो लेट्स सी, बैटरी भी खत्म होने वाली है. डिनर और भी कुछ लिया था बट बीच में लाइन कट हो गई थी यहाँ पे, तो उसके चलते कर नहीं पाए उसको रिकॉर्ड. सो नाउ वी आर डन विद द डिनर एंड इसके बाद का जो ब्लॉग बनेगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा. सो तब तक के लिए ओके बाय बाय बाय. चैनल डू सब्सक्राइब माय चैनल. अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं भी अच्छा लगे तो डिसलाइक करके बताएं आपको क्या पसंद. कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. और बाकी जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम में और देखें डेली अपडेट्स के लिए. तब तक के लिए ओके बाय.